इतना भी नहीं जानती सरहद कितना करीब है। हाँ? मैं पाकिस्तान। इसमें ताज्जुब की क्या बात? आप तो यूं हैरान हो रही हैं जैसे आपने पाकिस्तान का नाम पहली मर्तबा सुना हो। हाँ? बीबी जवाब देंगी आप? आपसे मुखातिब हूं मैं। तो बीबी चले थाने चलना पड़ेगा आपको। चलिए चलिए, मैंने कहा चलिए। मुकु की तबीयत अब कैसी है? अस्पताल लेकर गए उसे। भगवान करे वो जल्दी ठीक हो जाए। वो ठीक हो जाएगी। भगवान तो यही चाहते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। पर तू क्या चाहती है ये बता। तू हमारी मुक्कू की खुशी चाहती है, सब ड्रामा कर रही है। रानी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको लगता है कि अमो नानी नाटक कर रही है? अगर आपने अमो नानी के खिलाफ एक शब्द भी कहा ना, तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमने हमेशा मुक्ता और मीठी को एक समान माना है, उन दोनों के बीच में कभी अंतर नहीं रखा। अमो नानी का दिल वाकई में बहुत बड़ा है, इसलिए अपनी नातिन का दुख भुलाकर भी वो मुक्ता की भलाई के बारे में सोच रही है। नानी जी, आइंदा ऐसी बातें आप नहीं करेंगे तो बेहतर होगा। नामी रखे, बड़ी ऊंची आवाज हो गई तेरी तो है? हवेली की नीलामी में इस घर की छत क्या बचाई? तुम लोगों का तो सुर ही बदल गया। मालिकों के सुर में बात कर रहे हो तुम तो। हमारा सुर तो वही है नानी जी, लेकिन आपके दिल में जो हमारी नफरत है ना, वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। मैंने तुझे कितनी दफा कहा है कि बड़े बुजुर्गों की बातों का बुरा नहीं मानते। दामिनी, तुम्हारा सपना भी ताजा है, हम समझ सकते हैं। मीठी के बारे में सोच के तो हमें भी दुख होता है। तो जिस हालत में हमारी मुक्ता है ना अभी, मैं नहीं चाहती कि घर में कोई भी तनाव हो। ऐसा ना हो मीठी की ना आने का गम हमारी मुक्ता को पा जाए। डॉक्टर ने कहा है इसकी हालत बहुत नाजुक है, हम सबको उसका बहुत ख्याल रखना होगा। रामी राखे, ये घुमा फिरा कर बातें क्यों कर रही है तू दिव्या? हम बताते हैं सीधे से। ऐसी कड़वी जबान है हमारी, हम तो बदनाम है ही। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। डॉक्टर ने कहा है कि अगर कोई और सदमा लगाना मुक्कू को, ना जाने क्या होगा। मुक्कू और बच्चा, समझ रही है ना तू? तो इस घर में ये आंसू बहाने की नौटंकी बंद, बाकी तो रामी राख। माताजी, मैं जानबूझकर नहीं रो रही, मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे तो मैं क्या करूं? राम ही रखे। तो अब क्या अपने आंसुओं की गंगा में हमारी मुक्कू को बहा ले जाएगी तू? हैं? जब तू इस घर से गई थी तब भी तू सिर्फ मीठी के बारे में सोच रही थी, मुक्कू के बारे में नहीं। जबकि तू अच्छी तरह जानती है कि मुक्कू मीठी से किस तरह जुड़ी हुई है। एक बार भी तूने ये नहीं सोचा? यूं बिना बताए तुम दोनों घर से जाओगे तो हमारी मुक्कू पर क्या बीतेगी, जबकि इस वक्त वो पेट से है। पिछले दिनों मुक्कू कितना परेशान रही उस मक्खी के लिए, और जब आज उसे ये खबर मिलेगी तो सोच उसका क्या हाल होगा। कान खोलकर सुन ले दामिनी, अब तू उस घर में लौट आई है तो ये आंसू बहाने का नाटक बंद कर दे। दानी जी, दुख में हम सब शामिल हैं, पर अब तुझे हमारे आने वाली खुशी में शामिल होना पड़ेगा, बाकी तो राम ही राखे। अगर मुक्कू ने पूछा कि मीठी कहाँ है तो झूठ कह देना, झूठ बोलने में तो माहिर है तू। जल्दी व्या चल, तू ना क्या सोच रही है? आंसू बहाने पर भी पाबंदी लगा दी है इन्होंने। ये लो, जब भी हिंदुस्तान में बम फटेगा जिम्मेदार हम। वहाँ की पुलिस को शक है कि कोई पाकिस्तानी औरत शामिल है इस ट्रेन के बम धमाके में। जनाब तशरीफ रखें मोहतरमा। क्या नाम है आपका? आपसे मुखातिब हूँ मैं। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं? पूछा कहाँ की रहने वाली हैं आप? पहली बार देखा है आपको इधर। मैं और अन्नी दोनों साथ थे। मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? मस्जिद मदीना तलाशा तुझे, मस्जिद मदीना तलाशा तुझे और कमबख्त तू यहाँ शैतान के पास में। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? हाँ। बरखुरदार, मोहतरमा की केस में क्या दिलचस्पी है आपको? लोग कहाँ गड़ा रहे हैं काम का? अंसारी साहब रिश्तेदार होने वाले हैं हम। हक बनता है हमारा टांग अड़ाने का। और आप तो जानते हैं बेवजह तो मैं खुदा के दरवाजे पे भी दस्तक नहीं देता। तब की बार क्या वजह रही? ये खातून? जी जनाब, रिश्तेदार है, नहीं है यहाँ पर। सरहद की तरफ दौड़ लगा रही थी आप ये रिश्तेदार। जनाब जनाब, अब क्या बताएं? ना जाने क्या फितूर है इनके दिमाग। अब आप देखिएगा, अगले ही पल बोलेगी कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूं। सही क्या इन्होंने? मैं तो पाकिस्तानी हूं ही नहीं। सुना आपने? सुन लिया? इनके दिमागी फितूर के जिम्मेदार हैं ये शायर लोग। अब्बू को तो आप जानते ही हैं। उन्हीं से लेकर मंटो की कुछ किताबें पढ़ ली तो हो गए तोबा टेक सिंह। अरे दिमाग से कमजोर हैं ये, इसीलिए बंटवारे से पहले के वक्त में जाकर इनके दिमाग की सुई अटक जाती है। अरे याददाश्त साथ छोड़ देती है जब ये दवा लेना भूल जाती है, और जिस दिन दवा ना ली उस दिन तो इनका दिमाग सीधा सरहद पार भागता है। कहानियां दिलचस्प बना लेते हैं आप। अरे जनाब, कहानियां हम कहां बनाते हैं? कहानियां तो ये बनाती हैं। अभी कहेंगी कि मुझसे ही खतरा है। हाँ सही कहा, इनसे मुझे खतरा है, बहुत खतरा है इनसे। मैं पाकिस्तानी। पाकिस्तानी तो आप हैं कि नहीं? हाँ नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं। नहीं बोलेंगी ना आप? जानता हूं अंसारी साहब, जमाना हो गया बंटवारा हुए, पर इनका दिमाग अटका है 1947 से पहले के वक्त में। देख लिया आपने? सब खैरियत? वो मैं दवा पेट के अंदर। अब 1-2 घंटे में ही हम और आपकी तरह हो जाएंगे ये मोहतरमा। शुक्रिया अंसारी साहब, आज आपने इन्हें बचा लिया। अगर ये आर्मी के हाथ लग जाती तो आपको इनके जनाजे में शामिल होना पड़ता। सरखुरदार, दुआ करो कि ये दवा असर कर जाए और उनकी याददाश्त लौट आए। वरना मुश्ताक अंसारी को आना पड़ेगा इनकी याददाश्त लौटाने के लिए। रिश्तेदारी अपनी जगह और फर्ज अपनी जगह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लो आप कर क्या रही थी वहां पुलिस स्टेशन में? आपका दिमाग है या खाली डिब्बा? कुछ खबर है आपको? आप क्या करने वाली थी? नहीं जानती मैं, और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। नहीं जानती मैं पुलिस के पास क्यों गई थी। नहीं जानती कि मैं यहाँ इस देश में कैसे पहुंची। या अल्लाह, ये मुसीबत मेरे ही सर क्यों? ये देख रही हैं आप, ये तवी नदी है। आप यहाँ बिल्कुल इस जगह पर बहकर आई थी। मेरे अब्बू ने और मैंने आपको बचाया, आपको घर ले जाकर आपका इलाज करवाया। और हाँ, बेहोशी में आप एक नाम बड़बड़ा रही थी, आकाश। आकाश तो एक हिंदुस्तानी नाम है ना, है ना? मैं हिंदुस्तान से हूँ और मेरा नाम मीठी है। एक मिनट, तो इसका मतलब जम्मू से बहती बहती आप यहाँ आ पहुँची। अरे आपको लड़ना ही है तो इनसे लड़िए ना, यही है आपको इस जमीन पर लाने वाला। हमसे क्यों खफा हो रही हैं आप? और एक बात, आप हिंदुस्तानी हैं इसलिए बेहतर होगा कि आप पाकिस्तानी पुलिस के पास ना जाएं। आप खुद भी तकलीफ में होंगी और हम सब भी। नहीं समझे आप? मैं बताता हूं, ये पढ़िए। आप उर्दू तो नहीं पढ़ सकती, लेकिन ये तस्वीर तो देख सकती हैं। उसके नीचे लिखा है कि कल जम्मू में एक ट्रेन में बम धमाका हुआ था। और हिंदुस्तानी पुलिस को शक है कि इस धमाके के पीछे एक औरत जिम्मेदार है। कुछ समझ रही हैं आप? अब दोनों मुल्कों की पुलिस उस टेररिस्ट औरत को ढूंढ रही है, और अगर ऐसे में आप पुलिस के पास जाएंगी तो वो लोग आपको गिरफ्तार कर लेंगे टेररिस्ट समझ के। टेररिस्ट? जी मोहतरमा, टेररिस्ट। देखिए मेरे अम्मू अब्बू सब मानते हैं कि आप बेकसूर हो, मासूम हो, मगर सच बताऊं तो आप मेरे लिए एक मुसीबत हो। अगर ऐसी बात है तो मुझे बचाया क्यों आपने? या खुदा, किस आफत से मिला दिया मुझे। पता नहीं अन्नी किस हाल में होगी, वो रोकर बुरा हाल हो गया होगा अन्नी का। मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, अपने परिवार के पास वापस जाना चाहती हूँ, अन्नी के पास वापस जाना चाहती हूँ। अरे आप रोइए मत। अब ये लीजिए, ओस लीजिए इससे। चलिए आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा आपकी वापसी का। और हाँ, और वैसे भी आपकी कहानी पर कोई भरोसा नहीं करेगा कि आप हिंदुस्तानी हैं और जम्मू से बहती हुई यहाँ पहुंच गए, और आप हमारे घर में महफूज हैं। फैसला आपको लेना है। इस जमीन पर एक घर है जो आपको पनाह दे सकता है। अब आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। एक बात समझ लीजिए, जिसके लिए आप इतना रो रही हो, उस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो आपको जिंदा रहना होगा। खुदकुशी का कोई रास्ता मत अपनाइए, समझ रही हैं आप? देखिए अल्लाह चाहता है कि आप हम सबके साथ रहें, हमारे जीते जी हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। चलिए।